अबे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। बिहार की सियासत के लिए ये जो शायरी है या जो भी कह ले वो काफ़ी सटीक बैठती है। बात तेजस्वी की जाए या नीतीश कुमार की, अपनों के साथ ही वो पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है कुढ़नी चुनाव से। कुढ़नी चुनाव से जुड़ी हुई कुछ जानकारी लेकर सामने आए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे सहनी यानी मुकेश सहनी, जिनके प्रत्याशी नीरव कुमार भूमिहार समाज से थे, उनको भूमिहारों ने ही वोट नहीं दिया। बात की जाए तो सहनी का मलाहों का जो वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत है। सहनी मलाह का 80% वोट को तोड़ पाए हैं। सहनी ने अपने समाज के वोटरों को अपने पाले में कर लिया है, यानी मुकेश सहनी अपने समाज के वोट को डिलीवर कराने में हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। एक बार फिर से कुढ़नी में पिछड़ कहाँ गए हैं इस बात पर हम जिक्र करेंगे और आपको जानकारी देंगे। मुकेश सहनी के समर्थन में दो भूमिहार संगठन मैदान में थे। एक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जिसमें पूर्व मंत्री अजीत कुमार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री सुधीर शर्मा, उनके साथ चोकर बाबा उर्फ शत्रुघ्न तिवारी, धर्मवीर शुक्ला सहित कई गणमान्य नेता थे। ये सभी लोग अलग अलग दलों से आते हैं। बात की जाए तो कई लोगों का नाता भाजपा, तो कई लोग जदयू राजद कांग्रेस से भी रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नए नए नेता उभरे आशुतोष कुमार थे। उन्होंने मुकेश सहनी का समर्थन किया और समर्थन के साथ ही मुकेश सहनी का डाउनफॉल वहां शुरू हो गया। अब हम डाउनफॉल क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की भी कहानी है। दरअसल आशुतोष कुमार ने अंत समय में लोगों के बीच घूमकर जो वोट मांगा उससे मुकेश सहनी के वोटों में काफी बिखराव हुआ। बिखराव के पीछे का कारण है, आशुतोष कुमार भूमिहारों की बात करते हैं और कहते हैं कि वो भूमिहार के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कई बार खुले मंच से भूमिहार नेताओं के ही गाली दे चुके हैं। इससे भूमिहार के जो बड़े बुजुर्ग हैं या 40+ वाले जो लोग हैं वो इनसे नाराज रहते हैं। इनके पीछे युवाओं की फौज है, युवा कितना वोट डिलीवर करा पाते हैं और उसमें कितने युवा वोट दे पाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। युवाओं की फौज के साथ ये मैदान में उतरे थे और इसके पीछे कई और कारण हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन भूमिहार के बड़े गाँव का हम जिक्र भी कर देते हैं, पूरा जिक्र तो नहीं, लेकिन भूमिहार के जिन गांवों का सर्वे हमने किया है और जिन गांव में हमने घूमा है वहां का डाटा बता देते हैं। मनियारी में नीलाभ कुमार के समर्थन में जहां 50% भूमिहार वोट मिलता हुआ दिख रहा था, आशुतोष के जाने के बाद 30% पर अटक गया, 20% भूमिहार भाजपा में भाग गए। इसके पीछे का कारण है कि भूमिहार समाज राजद को वोट देना नहीं चाहता है और इनका संबंध राजद से भी है, भाजपा से भी है, जदयू से भी और मुकेश सहनी से भी है। ये अपना खुद स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनके स्टैंड की वजह से मुकेश सहनी को 20% वोट का यह नुकसान हुआ। खरौना की बात करें जो भूमिहार का बड़ा गांव है और वहां युवाओं में सहनी ने वोट काटने में सफलता प्राप्त की है और इसके पीछे की वजह आशुतोष कुमार नहीं है, इसके पीछे की वजह खुद नीलाभ कुमार है। नीलाभ कुमार खरौना गांव में कई बार जा चुके हैं, कई बार उन गांव में शादी विवाह समारोह या उन गांव के युवाओं से मुलाकात, उन गांव के युवाओं के साथ इनकी घनिष्ठता कई बार देखी गई है, तो वहां ये वोट काटने में 30% कामयाब रहे हैं। लेकिन आशुतोष कुमार के जाने के बाद 2-4% वहां भी कम हुआ। बात की जाए तो छाजन छोटा गांव है, भूमिहारों की कम आबादी है, यहां भी 10% वोट प्राप्त हुए हैं। कमतौल जो नीलाभ कुमार का गृह क्षेत्र कहा जाए या गांव कहा जाए या जो भी कह ले, इस क्षेत्र में नीलाभ कुमार को 50% भूमिहार वोट प्राप्त हुआ है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है लगभग 50% से ऊपर वोटिंग हो चुके हैं। अंदाजा है कि 60-62% से अधिक वोटिंग इस बार होगी। बेलौर गांव, सुमेरा, लदौरा, इन सभी गांवों में छोटी छोटी जो कस्बा है या छोटे छोटे संख्या में भूमिहारों की जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं, चंद्राटी जो बड़ा गांव है और ये बड़ा धनाढ्य गांव है, इस गांव में IAS IPS से लेकर बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं। बिहार के हर जिले में, बिहार के हर क्षेत्र में इस गांव का भूमिहार युवा
प्रशासनिक सेवा में काम कर चुका है। बड़ा गांव है, इस गांव में जज से लेकर बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं। इस गांव में भी नीलाम कुमार को 50% वोट मिलता हुआ प्राप्त हो रहा था। आशुतोष कुमार के भ्रमण की वजह से, इनकी छवि की वजह से भूमिहार वोटों का इनको भी नुकसान हुआ है। यानी सीधे तौर पे समझे तो नीलाम कुमार अकेले जितना भूमिहार वोट ला पाएंगे उतना ये भूमिहार ब्राह्मण वाले आशुतोष कुमार और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट वाले नेता नहीं ला पाएंगे। यानी ये दोनों फ्रंट निष्क्रिय उस क्षेत्र में हो जाता है नीलाम कुमार का पर्सनल भूमिहार वोट के सामने। बात की जाए तो मुजफ्फरपुर वो क्षेत्र है जहां भूमिहार और सहनी यानी भूमिहार और मल्लाहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में राजपूत और भूमिहारों की लड़ाई भी काफी चर्चा का विषय बना है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे राजनीतिक बदलाव हुए और लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक क्रांति लाई उसमें मल्लाह और भूमिहारों का वर्चस्व काफी बढ़ता चला गया और ये दोनों नेताओं के बीच, माफ कीजिएगा, ये दोनों जातियों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। आशुतोष कुमार भूमिहार के नेता कहते हैं और कई बार इनकी बयानों की वजह से दूसरे समाज के लोग सटते हुए नहीं नजर आए। तो इनके बयान और इनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नीलाम कुमार के वोटों में कटौती हुई है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर पर जो काफी आम है। 2020 के चुनाव में जितेश कुमार आरजेजेपी से चुनाव लड़े थे कुर्नी में, 513 वोट आई थी। यानी उस दरमियान नीलाम कुमार भी चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ था और अंत समय में नीलाम कुमार का वोट वजिकांचल विकास पार्टी के एक भूमिहार प्रत्याशी के पास चला गया जिसको भी 5000 वोट आया था। नीलाम कुमार ने दावा किया था कि इसमें हमारा भी वोट है और ये सही बात है कि भूमिहारों की नाराजगी उस क्षेत्र में देखी गई थी और 5 से 6 हजार वोट उनके पास ट्रांसफर हुआ। जितेश कुमार भूमिहार पार्टी से थे या आशुतोष की पार्टी से थे, 513 वोट आया था, यानी भूमिहारों ने नकार दिया था, जमानत भी नहीं बची थी और सीधा कहें तो इंडिपेंडेंट और द पुरल्स पार्टी, जन अधिकार पार्टी जैसे कई छोटी छोटी पार्टियों से नीचे थे, 26-27 स्थान पर खिसक गए थे और अब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं नीलाम कुमार को वोट दिलाने, तो ये अपना 500 वोट नहीं दिला पाए या दिला पाए ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन नीलाम कुमार का वोट जरूर काट गए हैं। बात की जाए मुकेश सैनी का जो वोटों का प्रतिशत है, 80% मल्लाहों ने वोट कर दिया है लेकिन मुकेश सैनी पिछड़ गए हैं सवर्ण वोट बैंक में। मुकेश सैनी को अन्य पिछड़ी जातियों का वोट मिला है लेकिन फिर से वही बात है कि नीलाम कुमार का जो पर्सनल वोट है उस वोट को छोड़कर किसी भी भूमिहार नेता या किसी भी ब्राह्मण नेता ने उनके पक्ष में वोट नहीं कराया, सिर्फ उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार हुआ और अंत में यह हुआ कि उनके वोटों में और कटौती हो गई। अब ऐसे में हम कैसे कह रहे हैं कि भूमिहार नेताओं की वजह से, या सीधे समझे भूमिहार आशुतोष भारतीय जनपरिवार पार्टी, माफ कीजिएगा राष्ट्रीय जनजन पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, इन नेताओं की वजह से उस क्षेत्र में भूमिहारों का वोट काफी कटा है और जिसके सीधे तौर पे जिम्मेदार भूमिहार नेताओं को जाता है। और कहीं ना कहीं वोटों का ट्रांसफर ना हो पाना, सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी, सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी उन दलित पिछड़ों के बीच एक ऐसा संदेश लेकर गया जिससे उन्हें लगा कि ये भूमिहार प्रत्याशी है और ये फिर आने वाले दिनों में जिसका जिक्र किया जाता है कि सामंतवादी विचारधारा उस पर चलेगा और यही वो वजह है कि मुकेश सैनी के प्रत्याशी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जितना प्रचार उनके पक्ष में भूमिहार नेताओं ने किया उतना ही उनका ग्राफ नीचे गया और भूमिहार वोटर के साथ साथ दलित पिछड़ा वोट बैंक भी उनसे पिछड़ता चला गया। लालू प्रसाद यादव की यही नीति रही थी, बुरा बाल साफ करो का नारा देकर दलित पिछड़े के वोट बैंक को उन्होंने एक तरफ किया था और बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन सोशल मीडिया सहित कई जगहों पर अनर्गल बयानबाजी की वजह से मुकेश सहनी के प्रत्याशी को भूमिहार वोटों का काफी नुकसान हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।